वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। अब मैं इसमें देखिए काम कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पे एक ब्रश टूल ले रहा हूँ, ब्रश टूल से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक कलर में यहाँ पे रेड ले रहा हूँ, ओके किया। मैंने यहाँ पे ब्रश को यहाँ पे मैं अपना साइज को बढ़ा ले रहा हूँ थोड़ा सा, और इसकी जो ओपेसिटी है इसको 100% है ताकि इसका कलर अच्छे से आपको दिखे। चलिए मैंने ये कलर ले लिया, फिर चलिए मैं कोई और दूसरा कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। चलिए मैंने आपको एक और एक कलर ले लिया। चलिए फिर मैं कोई और तीसरी कलर को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। चलिए मैंने एक कलर ये कर लिया। चलिए फिर और कोई कलर ले रहा हूँ, ये कलर ले लिया मैंने। फिर इसको मैंने ब्रश टूल का यूज कर दिया। फिर कोई और एक कलर ले ले रहा हूँ। चलिए यहाँ से मैंने फिर एक कलर को ड्रॉ कर दिया। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैंने जो वर्क किया 1 2 3 4 5 पांच बार ब्रश टूल का यूज किया। आप यहाँ पे हिस्ट्री में भी इसको देख सकते हो, इतनी तरह के मैंने यहाँ पे यूज किया हो, ठीक है। चलिए अब एडिट मेनू का फंक्शन एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। अब एडिट में गया, यहाँ पे अंडू ब्रश टूल का, जो ब्रश टूल का मैंने काम किया इसको अंडू करना है। इसके लिए देखिए कंट्रोल जेड भी आप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। एक बार किया मैंने तो एक स्टेप क्या हो गया, बैक हो गया ये। फिर एडिट मेनू पे गया, फिर मैं यहाँ पे रीडू कर रहा हूँ इसको, तो फिर ये एक स्टेप आगे आ रहा। इसका फंक्शन जो है हमारा ये एक स्टेप बैक और एक स्टेप फॉरवर्ड, दोनों फंक्शन कंट्रोल जेड से ही होता है। चलिए देखिए मैं यहाँ पे 5 स्टेप कर चुका हूँ। चलिए स्टेप बैकवर्ड जा रहा हूँ, यहाँ पे एक एक स्टेप पीछे जाऊँगा मैं। देखिए एक स्टेप पीछे गया, फिर 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 यहाँ से गया तो एक स्टेप पीछे चले गया। यानी कि जैसे मैं सारा स्टेप पीछे चला गया, अब मैं चाहता हूँ कि सारा स्टेप मेरे बारी बारी से आ जाए, तो यहाँ पे देखिए अब एक स्टेप फॉरवर्ड आ गया है। अब यहाँ स्टेप बैकवर्ड के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं। अब स्टेप फॉरवर्ड एक एक स्टेप आगे जाना, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं शिफ्ट कंट्रोल प्लस जेड का। देखिए एक एक स्टेप हम लोग आगे जा रहे हैं। चलिए इसे मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। चलिए ये सारे स्टेप यहाँ पे आ गए। अब देखिए इसके आगे ऑप्शन है आपको फेड का। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, चलिए मैंने यहाँ लिख दिया आर। अब मैं चाहता हूँ इसको फेड करूँ, तो यहाँ पे हम लोग एडिट में जाएंगे, फेड ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए एक ऑप्शन आ गया, फेड का मतलब ही होता है धुंधला। जैसे ही हम इसको करेंगे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ धुंधला हो रहा है। आप जितना धुंधला करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे मोड हैं। आप चाहो तो डार्केन मोड पे भी कर सकते हो, तो जैसे करोगे ये आपका उस हिसाब से ये काम करेगा। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, जैसे जैसे करोगे आप, इसमें बहुत सारे मोड हैं, आप सारे को एक एक करके आप प्रैक्टिस कर लोगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कट, कॉपी, कॉपी मर्ज, पेस्ट। ये सारे जो ऑप्शन है आपके, ये सारे ऑप्शन अभी डिजेबल है आपके। कट, कॉपी, कॉपी मर्ज, पेस्ट इनटू, क्लियर, ये सारे डिजेबल है। ये इसलिए डिजेबल है क्योंकि हमने अभी कोई सिलेक्शन नहीं करके रखा। जैसे हम सिलेक्शन करते हैं तो इसके बाद ये ऑप्शन हमारे इनेबल हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग मार्केट टूल से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट होने के बाद देखिए एडिट में एक कट हो गया। आप कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, कॉपी में कॉपी कर सकते हैं। चाहते हैं कि मुझे कट करना है, यहाँ से कट पे क्लिक किया तो ये इमेज यहाँ से कट गया। फिर आप चाहो यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट मैंने कर दिया, ये इमेज यहाँ आ गया। अब मूव टूल की सहायता से आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा कट का यूज। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे इमेज यहाँ भी रहे और दूसरी भी जगह रहे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कॉपी का। तो चलिए मैं जो स्टेप है इसको बैक कर दे रहा हूँ, तो कंट्रोल अल्ट प्लस जेड से स्टेप मैंने बैक कर दिया। अब ये सिलेक्शन बना हुआ है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शन इसके ऊपर आ गया। देखिए ये ऑलरेडी आपको दिख नहीं रहा था, जैसे मैं मूव टूल से मूव किया ऐसे आपको दिख रहा है, ये कॉपी हो गया। तो मेरा इमेज यहाँ भी रह गया और मैं किसी दूसरे जगह भी इसको ले जा सकता हूँ, या नहीं तो मैं चाहूँ तो इसे कोई दूसरे शीट पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आप उसको पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे पेस्ट हो गया सेम चीज, या नहीं तो आप यहाँ पे जिंदली मूव भी करके यहाँ से इस वाले को ला सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे पेस्ट इनटू है। पेस्ट इनटू का बहुत ही अच्छा यूज है, चलिए मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। चलिए पेस्ट इनटू करने के लिए जो मैं आपको एक नया इमेज पहले ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे एक नया इमेज मैं ले ले रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ नया इमेज। चलिए मैंने इसे यहाँ से एक बच्ची का फोटो ओपन कर लिया है।
चलिए मैं इस पे एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए इस टूल की सहायता से मैंने इसका यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। फिर मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज मेरे यहाँ पे आ जाए, तो मैं चाहे इसे जिस शेप में डालूँ। मैं यहाँ पे मान लो क्लिप्स ले लिया, यहाँ पे कर लिया क्लिक। अब इस पर क्लिक करने के बाद मैं एडिट पे गया, इसके बाद पेस्ट इनटू पे क्लिक कर रहा हूँ। पेस्ट इनटू पे जो क्लिक किया, ये फोटो देखिए ये साइड से ये कट गए हैं। आप चाहे तो इसको कंट्रोल टी से करके इस फोटो को आप बड़ा कर लो। जैसे ही बड़ा कर लिया अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैंने मूव कर दिया, ठीक है। इसे मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं अप्लाई कर दिया। देखिए मैं जिस शेप में यहाँ पे बच्चे की फोटो को डालना चाह रहा था, मैंने उस शेप में इस बच्चे की फोटो को यहाँ पे क्या कर दिया, डाल दिया। जबकि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन जो किया था ये किया था रेक्टेंगल में, लेकिन यहाँ पे मैं इसको इलिप्स में डाल दिया। तो अब इसे आप चाहो तो इसके अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। पेस्ट इनटू का ये फंक्शन है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते। चलिए नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं कौन सा है। इसके बाद देखिए एक क्लियर फंक्शन है। क्लियर फंक्शन का देखिए क्या यूज है। मान लिया जाए कि हम कोई फोटो को डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट और क्लियर सेम ही चीज है। मान लिया मैं इस फोटो को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, ये पार्ट को यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ। एडिट में गया, क्लियर कर दिया, तो ये फोटो क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ से डिलीट और क्लियर का सेम ही यूज है। आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के बाद भी अगर मान लो डिलीट बटन प्रेस करते हो तो सेम ही फंक्शन काम करेगा। डिलीट और क्लियर सेम ही चीज है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए ऑप्शन है चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक का मतलब होता है अगर कुछ आप ग्रामेटिकली गलत लिख देते हो तो उसे वो सही करने के लिए आप यूज कर सकते हो। चलिए मैंने एक फोटो ले लिया था, इसके ऊपर कुछ मैंने टाइप कर दिया। अब मैं एडिट मेनू में जाके आपको दिखाता हूँ चेक स्पेलिंग पे। जैसे चेक स्पेलिंग पे क्लिक किया है, देखिए गुड को मैंने गलत करके रखा हुआ था यहाँ पे, तो मेरे सजेशन वर्ड दिया कि यहाँ पे आप गुड कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया, स्पेल चेक हो गया हमारा, ओके कर दिया, यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे देखिए चेंज ऑल कर देंगे। जहाँ भी गुड था वो क्या हो गया, नाइस हो गया। तो यहाँ दिखाया भी कि आपके दो ऐसे चेंजेस यहाँ पे आपने किया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का फिल है। यहाँ पे फिल पे क्लिक किया, यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई कलर फिल हो जाए, या पैटर्न फिल हो, या फोरग्राउंड कलर फिल हो, तो यहाँ पे ओके कर दिया मैंने। तो जो भी कलर था इसके ऊपर फिल हो गया। मैं चाहता हूँ कि कुछ पार्टिकुलर जगह पे फिल हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। मान लीजिए सिलेक्शन मैंने यहाँ से कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें कोई कलर में को फिल करना, तो यहाँ पे फाइल में गया, यहाँ पे फिल पे क्लिक करूंगा। फिल से देखिए आप चाहिए तो यहाँ पे फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों में से कोई भी कलर चाहेंगे तो आप यहाँ से ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे बैकग्राउंड पे सिलेक्ट किया, ओके किया, तो देखिए ये पार्टिकुलर जगह पे फिल हो गया। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं तो पूरे फोटो पे ही आपका कलर फिल हो जाएगा। चलिए मैं फिर इसे एक स्टेप पीछे कर दे रहा हूँ। ये सिलेक्शन तो मेरा यहाँ पे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ इसका क्या है। फिल में गया, फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा एक और ऑप्शन है पैटर्न। पैटर्न में देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दिया। देखिए ये पैटर्न यहाँ पे फिल हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को भी मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन गया, फिल पे गया। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का है, हिस्ट्री अभी काम नहीं करेगा जब तक हम लोग ये दूसरे दूसरे कलर को यूज करके पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्लैक किया मैंने तो ओके किया, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर हमारा फिल हो गया। चलिए नेक्स्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। फिल पे क्लिक किया, यहाँ पे ग्रे को सिलेक्ट किया, 50% सिलेक्ट किया, तो देखिए हमारा ग्रे हो गया। फिर इसके बाद फिल पे गया, फिर यहाँ पे गया मैं, ये वाइट पे क्लिक किया, ओके किया, हमारा ये फिर वाइट हो गया। कुछ कुछ बाय डिफॉल्ट कलर इसमें डाला हुआ है उसको भी कर सकते हैं आप। चलिए अब हिस्ट्री टूल का यूज करके दिखाता हूँ। फिल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आप हिस्ट्री करोगे तो जो आपका सबसे पहले था उस मोड में ये आ जाएगा, जो ओरिजिनल था हमारा ये आ गया। तो हिस्ट्री टूल को आप पहले यूज करते तो काम नहीं करता। हिस्ट्री टूल जो है आपका जो पहले का सबसे ओरिजिनल रियल होता है वो उस पर आपको लेके आ जाता है। चलिए हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले हम लोग देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए स्ट्रोक है। स्ट्रोक करने से पहले हम लोगों को सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे इसको फोटो को। हम कंट्रोल ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लिया, देखिए सिलेक्ट होने के बाद ये लाइन ब्लिंक करने लगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ फिल पे जाएंगे, इसके बाद स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। जैसे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, ये स्ट्रोक का काम जनरली यहाँ पे चारों साइड बॉर्डर लगाने का होता है। आप जो कलर यहाँ से सिलेक्ट करोगे उस कलर की आपके यहाँ पे फोटो में बॉर्डर लग जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। रेड तो है ही फोटो, तो चलो उसका कोई और दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, या ब्लू पे सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया।
और ये देखिए विथ पिक्सल है, आप इसकी मोटाई कितनी रखने चाहते हो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली इसकी मोटाई 3 रहती है, चलिए मैं आपको इसे 5 करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक, इसको यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ। जैसे ही ओके किया, इसके बाद देखिए इसके आगे जो चारों साइड है इसमें एक लाइन लग गया। मैं इसे कंट्रोल डी करके हटा देता हूँ। आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है चारों साइड हल्का पतला एक लाइन लगा हुआ। अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं आपको एक नया शीट लेके ओपन करता हूँ, तो उसमें वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये फोटो मैंने ओपन कर लिया। चलिए इसे मूव टूल की सहायता से मैं इस फोटो को यहाँ पे ले आता हूँ। अब ध्यान से देखो, इसे जूम में कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब ध्यान से देखो, इसमें देखना एक थोड़ी सी लाइन पट्टी आएगी। देखो यहाँ पे देख रहा है इसको साइड में, ये यहाँ पे बॉर्डर लगाने का काम हो गया है। ठीक है, अब इसको बॉर्डर लगा दिया मैंने, तो ये बॉर्डर चारों साइड इसके लग चुके हैं। ठीक है, तो यही इसमें था। अब देखिए फोटो को यहाँ से छोटा बड़ा करना, इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ पे है स्ट्रोक लग गया। अब यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म है, यानी कि फोटो को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले फोटो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया, या तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल टी से भी ट्रांसफॉर्म पे कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया फ्री ट्रांसफॉर्म पर। फ्री ट्रांसफॉर्म में देखिए स्क्वायर टाइप का एक डॉट आ गया, आप इससे फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जनरली इसका यही यूज है। ये करने के बाद इसको कोई भी टूल पे क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो कीबोर्ड से इंटर को भी आप प्रेस कर सकते हैं। चलिए मैं इस कीबोर्ड से इंटर को प्रेस कर दिया, ये जो है अप्लाई हो गया। चलिए अब इसको कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लेते हैं। जो चारों साइड सिलेक्शन था मैंने इसको डिसलेक्ट कर लिया। आप बहुत सारे फोटो को देखते होइएगा प्रिंट होने के बाद थोड़ा सा साइड में एक बॉर्डर टाइप का रहता है, तो यहाँ पे इस चीज़ का फ्री ट्रांसफॉर्म से फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए रोटेशन के बारे में बता रहा है और फिलिप हॉरिजॉन्टल ये सब क्या है, ये सब बस एक पोजीशनिंग को चेंज करता है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्केल कर रहा हूँ, तो स्केल क्या है एक डॉटेड लाइन आ गया, इसे आप खींच के बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी यूज है। ठीक है, यहाँ से मैं इंटर करके अप्लाई कर दे रहा हूँ, अल्ट कंट्रोल जेड करके फिर मैंने पैक कर लिया। तो जनरली यहाँ पे जो हम लोग करते हैं ट्रांसफॉर्म, ये सारे रोटेशन हो गए, ये सब कुछ कुछ फंक्शन है, आप इसे करके देखेंगे। अब देखें यहाँ पे डिफाइन ब्रश है, ये डिफाइन ब्रश जो है हम लोग इसे बना के दिखाते हैं। जैसे जनरली हम लोग यहाँ पे डिफाइन ब्रश पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये बच्चे का शेप है। जब भी हम लोग अपना ब्रश खुद बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने अपना टाइप कर दिया, लिख दे रहा मैं RMC ब्रश BRUSH, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। देखिए हम लोगों का एक खुद का अपना एक ब्रश हो गया। चलिए मैं इसको यूटिलाइज करके दिखाता हूँ। मैं एक नया फाइल ले ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने एक नया फाइल ले लिया और इसके बाद इसको यहाँ पे A4 साइज ले ले रहा हूँ, ओके कर दिया हम लोगों का। देखिए एक यहाँ पे ब्रश बन गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हम लोग जैसे यहाँ पे ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे, ब्रश टूल पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का अपना एक खुद का जो ब्रश बनाया था यहाँ पे ये आ गया। इसको मैं ओके कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा पिक्सल इसका घटा दे। अब देखिए ये हो गया, और इसके साथ देखिए यहाँ पे जो फोरग्राउंड कलर है वही फोरग्राउंड कलर पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, फोरग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा, देखो। चलिए हम लोग अपना एक पैटर्न बना के दिखाते हैं। देखिए पैटर्न जो होता है हम लोगों का, इसके नीचे क्लोन स्टाम्प के नीचे देखिए एक पैटर्न स्टाम्प टूल है। ठीक है, पैटर्न स्टाम्प टूल की सहायता से हम लोग यहाँ पैटर्न बनाते हैं। मैं चाहता हूँ अब इसको अपना पैटर्न बनाने के लिए, तो चलिए इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको अब पैटर्न बनाऊँगा, एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा डिफाइन पैटर्न है, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका कोई नाम दे देंगे, माई पैटर्न। ठीक है, माई पैटर्न हमने यहाँ से नाम दे दिया, और इसके बाद हमने इसको यहाँ पे ओके कर दिया। यह एक क्या हमारा पैटर्न हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फाइल में जाएंगे, न्यू ओपन किए। चलिए हम लोग यहाँ से एक A4 साइज का शीट ओपन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए एक शीट ओपन हो गया, इसको मैंने मिनिमाइज कर लिया। चलिए इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, पैटर्न बनाया। तो अब इसके बाद देखिए हम लोगों को यहाँ पे पैटर्न टूल पे, यहाँ पे पैटर्न टूल में यहाँ पे क्लिक कर लेना, और इसके बाद इसकी जो ब्रश साइज इसको हम लोग यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ब्रश बढ़ाने के बाद चलिए और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ब्रश को। चलिए बड़ा कर लिया है तो मैंने इतना बड़ा। ठीक है, ये ब्रश हो गया। अब देखिए हम लोग पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए पहले ये पैटर्न यहाँ पे सिलेक्ट है, तो यहाँ से ये पैटर्न आ रहा था। आप यहाँ से अपना पैटर्न भी यहाँ से बना सकते हो जो सिलेक्ट है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना जो पैटर्न बनाए थे हम लोगों को वो पैटर्न यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को पहले
यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो पैटर्न बनाया था यहाँ पे मेरा आ गया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे इस पैटर्न को बना रहे हैं, देखिए इस पैटर्न को बना रहे हैं। तो देखिए जो भी फोटो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ पैटर्न पे वो फोटो आ गया। ये फोटो देखिए हम लोगों का साइज बड़ा है, अगर हम लोग यही पैटर्न के साइज के फोटो को अगर हम लोग सेट कर लें पहले से ही और हम अपने पासपोर्ट साइज के अनुसार बना के पैटर्न लागू करें, तो हमारा पासपोर्ट साइज का फोटो भी पैटर्न के साथ यहाँ पे वन क्लिक पे आप इसको घिसोगे तो ये फोटो हमारा अपन के तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, एडिट में जाते हैं, पर्ज ऑप्शन जो होता है ये अंडू हिस्ट्री, और ये हमारे जितने भी फोटोशॉप के काम है, हमारे फोटोशॉप पे वर्क करने के बाद जितनी भी मेमोरी पे ये होल्ड करती है ये सबको क्लियर करने का काम करता है। तो हम लोग इससे अपने फोटोशॉप में जो काम कर रहे हैं उसको फिर फास्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी सारे फंक्शन होंगे वो सारे जो क्लिप बोर्ड में होल्ड किए हुए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और हमारा फोटोशॉप पे वर्क जो है पहले से फास्ट हो जाएगा। बस प्योर का इतना ही काम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम आपको कुछ और ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैंने डिफाइंड कस्टम शेप्स के बारे में नहीं बताया, मैं इसको भी बताऊंगा बाद में, ठीक है। चलिए कुछ देख लेता हूँ यहाँ पे फोटोशॉप के कलर सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स है, अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जान रहे तो इसको मत छेड़ना, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हो गया आपका, कलर सेटिंग्स है, और इधर फिर देख लो इसके बाद प्रीसेट मैनेजर है। प्रीसेट मैनेजर में आपके ब्रश है, ब्रश में मान लीजिए कि आपके ऑप्शन आपको लग रहे हैं कितने कम है जो बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ, आप यहाँ से ऑप्शन को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे ही बढ़ाओगे ब्रश पे जाके यहाँ से और लोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतने भी जो आपके ड्राई ब्रशेस हैं किया तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे और भी ऑप्शन बढ़ गए, ठीक है। आप इसको डन करोगे तो सेव हो जाएगा, हमें सेव नहीं करना है। उसी तरह आपको ब्रश हो गया, जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये सारे आपके टूल है, इसमें और भी टूल आप ऐड कर सकते हैं, जितने जनरली काम होने के लिए होता है वो सारे टूल्स इसमें ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप अपना करके देख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए प्रीफ्रेंस है, प्रीफ्रेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ सेटिंग्स होता है, इसके जनरल सेटिंग्स में जैसे गया, जैसे हम लोग कोई कमांड करते हैं, मान लीजिए कि कंट्रोल जेड करना है तो हम लोग चाहते हैं कि यह हिस्ट्री 20 बार बाय डिफॉल्ट सेट रहता, चाहते हो कि आप इसे बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो। फिर यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे और सभी फंक्शन को जो है अपना देख सकते हो। जनरली ये सब को हम छेड़ने के लिए आप लोगों को मना करेंगे ताकि ये सब को आप नहीं छेड़िए, बाय डिफॉल्ट जो सेट किया हुआ वो काम करने के लिए फोटोशॉप में काफ़ी है, ठीक है। चलिए हम आपको एक और ऑप्शन जो छोड़ा था मैंने, ये डिफाइन कस्टम शेप्स का, मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ और इसे बना के दिखाता हूँ कि आप कोई भी शेप या कोई भी लोगो अपना कैसे बना सकते हो और इसे परमानेंट अपना सेव कर सकते हो। इसके लिए हम पहले जाते हैं फाइल में और न्यू पे हो गया, न्यू पे करने के बाद मैं एक वाइट शीट A4 साइज का इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये एक टूल है कस्टम शेप, कस्टम शेप पे क्लिक किया, कस्टम शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप शेप है बहुत सारे शेप चाहते हो तो आप यहाँ से ला सकते हो। मान लिया जाए कि आप चाहते हो कि कोई अच्छा शेप आए या चाहते हो कि आप चारों साइड मेरा कुछ अच्छा बॉर्डर बन जाए या कुछ लोगो बनाना चाहते हो उस समय आप लोग यूज कर सकते हैं। कोई सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, चलिए मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पे जो कलर था आपका वो कलर यहाँ पे फिल हो गया, तो आप चाहते तो इसको कलर चेंज भी कर सकते थे जब देखिए ड्रॉ किया, तब यहाँ पे यहाँ पे सिलेक्ट करके हम लोग कलर यहाँ से चेंज कर दिए तो यहाँ पे ये कलर हमारा चेंज हो गया। ये सब मेनू है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा शेप हो, मान लिया जाए इसको ऐसे ड्रॉ करके घेर दे रहा हूँ मैं, इसको मैंने यहाँ से घेर दिया, ये घिर गया, ठीक है। और चाहता हूँ मैं कि इसमें और भी कोई शेप मैं ले लूँ, ये शेप ले लिया, ठीक है, मान लिया जाए ये शेप ले लिया, इसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसे अपना मेरा कस्टम शेप बन जाए, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से क्रॉप कर लूँ, इतना ही रखूँ, तो चलिए मैं यहाँ से इसको इतना ही इमेज मेनू पे जाके मैं यहाँ से क्रॉप कर सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे क्रॉप कर दिया, ये कट गया। जाके हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कस्टम शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेप को मान लीजिए मैंने इसको कुछ नाम दे दिया, फिर ओके कर दिया, तो ये हम लोगों का अपना कस्टम शेप बन गया। अब चाहता हूँ कि मैं ये कस्टम शेप इस फोटो पे लगा दूँ, ठीक है। हम लोगों का शेप ये इन्वेलप शेप लिया हुआ था, ये इन्वेलप शेप मैं इस पर क्लिक किया, फिर इसके बाद देखिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये इन्वेलप आ गया। क्यों, चलिए मैंने अपना एक कस्टम शेप बना लिया है, इसके बाद मैं फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कस्टम शेप पे क्लिक किया, कस्टम शेप पे राइट क्लिक करने के बाद देखिए ये शेप बनाया था, ये शेप क्लिक किया, इसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये शेप हमारा यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है, इसका इतना ही यूज है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।